भाई ये झूला बैठने के लिए है या खड़ा रहने के लिए? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीप एंड यू आर वाचिंग यूनाइटेड ब्लॉगर्स। तो ये ब्लॉग है होल्डिया के दूसरे दिन की। पहले दिन की ब्लॉग अगर नहीं देखा है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चलो दूसरे दिन की ब्लॉग देखते हैं। नाश्ता वास्ता करके अब हम निकल पड़े हैं कुछ घूमने के लिए। आई नो कि पिछला दिन उतना हैपनिंग नहीं था, आज इधर थोड़ा घूम के देखते हैं क्या होता है। यहाँ का एक राजबाड़ी है, महिषादल राजबाड़ी, तो उधर जाने की सोच रहे हैं। टोटो या बास को पकड़ना है, तो चलो चलते हैं। I'm standing on the edge of a cliff. तो अभी बस से उतर के हम पैदल चल रहे हैं। The weather is too hot today, so I changed my dress in the middle of the road. It's too long way actually. कुछ लोगों ने बोला कि चलो पैदल चले जाओ, पहुंच जाओगे, लेकिन बहुत दूर है, तो टोटो पकड़ना चाहिए था हम लोगों को। भाई कुछ बोझ मिला, मोहिशाल राजबाड़ी लिखा इधर। Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far. Like a dragonfly, just grab my hand from him sin. मोहिशादल राजबाड़ी, अ ह्यूज एरिया एक्चुअली। जूता को खोल के जाना पड़ेगा इधर, लेकिन एक बात हो गया है कि फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड इनसाइड। अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, तो उधर छह डिफरेंट काइंड्स ऑफ घर थे। किसी में वो बेडरूम था, किसी में अस्त्र शस्त्र का घर था, और क्या था, किताब किताब की एक रूम थी, और एक 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 लेडीज टॉयलेट थी, और म्यूजियम थी अंदर। तो अच्छी जगह है, आप आ सकते हो इधर। कैसा लगा राहुल? अच्छा था, अच्छा था, नज़ारा तो बहुत ही सुंदर। द एरिया इज ह्यूज एरिया एक्चुअली, करीब 100 साल से ज़्यादा पुरानी है ये। अंदर बहुत सारे चीज़ थे देखने लायक, अगर इधर आ रहे हो तो घूमने के लिए अच्छी जगह है। तो राजबाड़ी के पीछे की तरफ एक जंगल टाइप कुछ है, उधर भी एक राजबाड़ी है। कह रहे थे कि वो असली राजबाड़ी है जो पुरानी है बहुत। तो एक मंदिर है राजबाड़ी के अंदर ही था ये, अभी बंद है, 3 बजे खुलेगा, लेकिन कब तक तो हम नहीं रहेंगे इधर। बैड लक, फिर कभी। तो मंदिर के बगल में ये था, ये है पुराना राजबाड़ी, इधर भी है कुछ और मेरे पीछे भी है। तो अभी तो अंदर जाने की परमिशन नहीं है किसी को भी। अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा है। तो राजबाड़ी को देखने के बाद आप जा रहे हैं, वो कोई मंदिर है, कैलाश मंदिर शायद है ना, कैलाश मंदिर, तो उसी लिए जा रहे हैं। तो टोटो मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर से पैदल चलना पड़ेगा। ब्रिज की टाइप कुछ है इधर, हम उधर से चल के आ रहे हैं, अभी सामने की तरफ जाएंगे। कुछ लोगों ने बोला कि उधर मिल जाएगा टोटो, मिल गया है टोटो, चलो। हियर इज द मंदिर कॉल्ड कैलाश नाथ मंदिर। हेलो बंदर्स, हे ब्रो, हेलो, जय हनुमान जी। ओ दिस इज आल्सो नाइस प्लेस। ये कौन लोग है भाई? भाई ये झूला बैठने के लिए है या खड़ा रहने के लिए? कौन बैठेगा इधर? खड़े होकर चलना पड़ता है क्या? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अच्छा है ये, ओह गॉड, अरे नाइस मैन, कैसे करते हैं क्या? ओह यो, आई डोंट नो व्हाई, बट करने में बहुत मजा आया। चलो उधर से आके इधर जा सकते हैं, लेकिन हमको तो पटियाली करनी है ना, तो ऐसे जाएंगे हम। आ गए, चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है ऊपर। अरे बाप रे, दैट्स अ डैम गुड प्लेस मैन। बहुत दूर तक दिखाई देती है इधर से, अच्छा नजारा है, और बहुत सुंदर सी हवा चल रही है, तो क्या बात, क्या बात। We'll never forget the past, but what can...
कुछ देर पहले हम उधर थे, वो टॉप पे थे, इधर थे, अभी ब्रिज क्रॉस करके इधर आए, लेकिन इधर है नहीं कुछ उतना। वो एक झूला है बड़ा करके, चलो चलो फिर से फिर से। अरे यार ओ गॉड, अरे संभल के भाई, ठीक से बैठो। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ अब हो गया। मंदिर से निकल के अब फिर से टोटो ले लिया है, तो अभी कुछ प्लान नहीं है। खाना पीना कंप्लीट, अब एक रूम मिला है हमको, अच्छा रूम है, छोटा सा रूम है, हम दोनों के लिए काफ़ी है, तो आज रात तो इस रूम में बिताएंगे। अभी थोड़ा रेस्ट करने का, फिर कहीं घूमने का। एसी रूम है, एसी देख लो, हम थोड़ी ना गरीब है, सस्ते में मिला, प्राइस नहीं बता सकते लेकिन सस्ते में मिला बहुत। अभी सो जाता हूँ। स्लीप फॉर अ वाइल, अभी फिर से निकलना है। कहाँ जाएंगे नहीं मालूम, फिर भी चलो जाके बताते हैं कि कहाँ जाना है। राहुल रेडी? चलो निकलते हैं। अभी हम जो होटल में है, तो इधर जाओगे तो मिलेगा होल्डिया बस स्टैंड, और इधर है मोहिसदल बस स्टैंड, तो दोनों के बीच में एक जगह पे है, होटल का नाम है माइटीज होटल है, तो बहुत ही अच्छा होटल है, सस्ते में मस्ती ठीक ठाक सर। हाँ तो अभी एक बस पकड़ लिया है और जाने वाले हैं गिओ खाली, उधर एक नदी है। तो अभी हम हैं गिओ खाली और पीछे ये नदी है, गंगा नदी। प्लान तो था कि थोड़ा जल्दी आने का और सनसेट देखने का, लेकिन थोड़ा सो गए थे हम तो लेट हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, पीछे एक मंदिर भी है। तो सनसेट तो देखने को नहीं मिला, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलो अब लॉज चलते हैं। तो घूम फिर के आ गए, अभी सोना है और कल सुबह निकलना है, तो कल सुबह शायद 2 बजे निकलेंगे हम, तो ठीक है तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं कल सुबह। चलो अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम निकलने वाले हैं, होटल छोड़ दिया है, अभी चेकआउट कर दिया है, तो टूर भी ख़त्म हो रहा है, तो अभी जाके कुछ नाश्ता करेंगे और फिर दोपहर को ट्रेन है हमारा। सो अ लिटिल बिट चेंज इन प्लान, तो एक्चुअली ट्रेन बहुत देर है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि नदी की तरफ से जाए, बस लेकर जगह है कुकरा गाछी करके, उधर जाएंगे, उधर से लॉन्च कर लेके डायमंड हार्बर, फिर उधर से ट्रेन लेके वापस घर। तो हम जिधर थे उधर से बस पकड़ के अभी आए हैं चैतन्यपुर, इधर से टोटो या कुछ लेके हम पहुंच जाएंगे लॉन्च घर। तो अभी हम ऑटो में बैठे हैं इधर। तो टिकट ले ली है, लॉन्च आ रहा है उधर, और बोला कि करीब 30 मिनट्स लगेगा, आधा घंटा लगेगा डायमंड हार्बर पहुंचने में। क्या नज़ारा है भाई, इतनी सुंदर हवा चल रही है इधर। नीचे बहुत ही बड़ा एक लॉन्च है, अगर ऊपर बैठने देता है तो अच्छा होता, लेकिन चलो ठीक है। अरे कितना बोरिंग है यार, बैठने ही नहीं दिया ऊपर। खैर कोई बात नहीं, मौसम अच्छा है और ये नदी, यहाँ क्या बात। एंड फाइनली रीच माई होम ऑन माई सोफा। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यस देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट योर थॉट, सब्सक्राइब करके जाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। Even if it hurts me or I get scared.